इधर बिहार में आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह के एक बयान से महागठबंधन में ही खींचतान शुरू हो गई, जिससे बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया। सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर विवादास्पद बयान दिया था और नीतीश कुमार की तुलना शिखंडी से कर दी। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा। हम सबका नोटिस नहीं लेते, लेकिन हमला नीतीश पर हुआ तो जेडीयू भड़क गई। पार्टी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखकर गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी। जेडीयू की नाराजगी इस बात से है कि शिकायत के बाद भी आरजेडी ने सुधाकर सिंह पर कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन महागठबंधन में मचे घमासान ने बीजेपी को बैठे बिठाए हमले का मौका दे दिया और महाठगबंधन के अंदर अब लठबंधन होगा। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के करीबी जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इस बीच मुंबई में 7,000 रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही, जिसका असर सरकारी अस्पतालों पर भी दिखने लगा और मुंबई के नगर निगम बीएमसी के अस्पतालों की ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं ठप हो गईं। रेजिडेंट डॉक्टरों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की हॉस्टलों की सुविधा में सुधार और खाली पदों पर भर्ती समेत 6 मांगे हैं, जिन पर वो सरकार से लिखित में भरोसा चाहते हैं। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया से डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक टेस्ला कार 250 फीट नीचे खाई में जा गिरी। बताया गया कि इस हादसे के दौरान उस कार में 2 बच्चों समेत 4 लोग सवार थे, जिनकी जान बचाने के लिए फौरन राहत बचाव की टीम हादसे की जगह पर पहुंची, लेकिन जिस हालत में वो गाड़ी मिली उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि इस हादसे में किसी की जान बची भी होगी, क्योंकि वो गाड़ी हाईवे से गुजरते वक्त 250 फीट गहरी खाई में गिर गई और वो कई बार पलटने की वजह से पूरी तरह चकनाचूर हो गई। यही कारण रहा कि कार में सवार 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि गनीमत ये रही कि रेस्क्यू टीम के उनके पास पहुंचने तक उन लोगों की सांसें चल रही थी, लेकिन जिस जगह ये हादसा हुआ वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। यही कारण रहा कि इस हादसे में जख्मी हुए लोगों को रेस्क्यू करने में कई घंटे लग गए, लेकिन राहत बचाव की टीम ने भी हार नहीं मानी और उन लोगों की जान बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर की मदद ली। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि एक रस्सी के जरिए एक कर्मचारी नीचे उतरा और उसने उस कार में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाला। इसी तरह टेस्ला में सवार 2 बच्चों को भी एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। बताया गया कि इस हादसे में कार में सवार सभी लोग सुरक्षित रहे, जिनका इलाज जारी है। इधर पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया। पाकिस्तान से आया ये घुसपैठिया भारत में घुसने की फिराक में था, लेकिन सीमा पर तैनात जवानों ने गश्त के दौरान उसे देख लिया और भारत में दाखिल होने से पहले ही घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया। उसके पास से एक बंदूक भी बरामद हुई। इस घटना के बाद बीएसएफ जवानों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। उधर ईरान ने एक बार फिर धमकी दी कि वो अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेकर रहेगा। वहां की सेना ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सुलेमानी की मौत पर ईरान के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और इसीलिए ईरान जल्द ही इसका बदला लेगा। जनरल कासिम सुलेमानी की तीसरी बरसी पर ईरान की सेना ने अपने दुश्मनों और खासकर अमेरिका को सबक सिखाने की बात कही। कासिम सुलेमानी 2 जनवरी 2020 को इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे और उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। तब खबर ये सामने आई थी कि ईरान अमेरिका के कई अधिकारियों को जान से मारने की फिराक में है और उस साजिश की अगुवाई सुलेमानी कर रहे हैं। इसी के बाद अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत हो गई थी। इस बीच खबर है कि सुलेमानी की बरसी पर ईरान अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना सकता है।